हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। और अगर आप कर रहे हैं टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, तो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए, टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हैं। यहां रोज 30 घंटे की लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, 20 से भी ज़्यादा सभी इम्पॉर्टेंट एजुकेटर्स के माध्यम से, उनके कोर्सेज के माध्यम से। तो यहाँ जिन कोर्सेज को एजुकेटर्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, उन सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। किसी भी लेक्चर को, किसी भी क्लास को और किसी भी टेस्ट सीरीज को सिर्फ एक बार के सब्सक्रिप्शन चार्ज में। तो यहाँ पर ये है सब्सक्रिप्शन के प्लान, तो आप इनमें से जो चाहें वो कंसिडर कर सकते हैं। वन टाइम के सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव लेक्चर्स और लाइव कोर्सेज के साथ में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हो, डाउट सेशंस हो या फिर ई बुक्स और नोट्स हो, ये सभी आपको यहाँ एक बार के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप सभी की क्लासेस, सभी के कोर्सेज देख सकते हैं सिर्फ एक बार के सब्सक्रिप्शन में। तो आप प्लान जरूर चेक कर लें, आपको दिखाई भी दे रहे हैं। अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं, इस सब्सक्रिप्शन प्लान को, तो amit_dikshit ये कोड आपको दिखाई दे रहा है सर्कल में, इसको यूज कर लीजिएगा तो आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो जरूर इस कोड को अप्लाई कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स दी गई हैं, चेक कर लीजिएगा। और अगर फ्री कोर्सेज देखना चाहते हैं तो हम अनअकैडमी पर जाकर अमित दीक्षित सर्च कर लीजिए। यहाँ काफी सारे फ्री कोर्सेज भी मैंने डिजाइन किए हैं, तो फ्री कंटेंट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको सूट लगता है आप यहाँ पर निर्णय लें, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के कॉन्सेप्ट क्लासेस के अगले लेक्चर पर बढ़ते हैं हम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 स्पेशल कॉन्सेप्ट का। तो आज मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट के जो दो तीन लेक्चर हैं उनमें मैंने आपको सिद्धांतों को बताया है, प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पर डेवलपमेंट के, और उसी को हम आगे आज बढ़ा रहे हैं और आगे के कुछ और सिद्धांत जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगातार चल रहे हैं। आप देखिए, अगर पहले के नहीं देख पाए हैं तो आपको चैनल पर देखना चाहिए, यहाँ पर अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आज का लेक्चर है, आज दो टॉपिक कवर करेंगे, दो सिद्धांतों को विकास के, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, यानी कि परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत और संपूर्ण विकास का सिद्धांत। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं टेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी टेट परीक्षाओं के लिए। आगे चलते हैं और समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, और इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम दो चीज़ दिखाई दे रही हैं, मैच्योरेशन और लर्निंग। तो सबसे पहले मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि परिपक्वता की बात करेंगे। तो देखिए, परिपक्वता को लेकर कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं कि परिपक्वता की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह की हो सकती है। जैसे हम किसी से बोलते हैं कि आप फिजिकली मैच्योर हो गए हैं, या फिर हम ये कहें कि मेंटली मैच्योर बनिए, आप थोड़ा मैच्योर बनिए। कई बार दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि थोड़ा मैच्योर हो जाइए, तो इसका अर्थ ये है कि दोनों को ही एक टर्म में हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर दूसरी तौर पर देखें तो फिजिकल मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जब मैच्योरिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर ये दोनों ही तरह की मैच्योरिटीज, यानी कि परिपक्वता, बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि कुछ ऐसी स्किल होती हैं, कुछ ऐसी कहना चाहिए हमारे अंदर जो क्षमताएं आती हैं, वो परिपक्वता की वजह से आती हैं। इसमें से कुछ शारीरिक परिपक्वता की वजह से, कुछ मानसिक परिपक्वता की वजह से। तो जैसे हम जानते हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो चल नहीं सकता, फिर जब और मैच्योर होता है फिजिकली, तो वो चलता भी है, दौड़ता भी है, रेंगता भी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये फिजिकल मैच्योरिटी की वजह से होता है। इसके अलावा मेंटल मैच्योरिटी भी उसमें आती है, वो जब शुरू में चीज़ें नहीं सीखता, भाषा नहीं सीखता, फिर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है और उसके दिमाग में भी जो मैच्योरिटी आती है, तो उसके साथ साथ में वो भाषा भी सीखता है, विचार भी सीखता है और काफ़ी कुछ सीखता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें मेंटल मैच्योरिटी की वजह से वो सीखता है। अब इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनुवांशिकता से जुड़ी होती हैं। अगर मैं बात करूं अनुवांशिकता की, तो अनुवांशिकता के बारे में आप जानते हैं, अनुवांशिकता का अगर नहीं जानते तो बता देता हूं। अनुवांशिकता मतलब जो गुण हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं। तो इन स्किल का डेवलपमेंट, इन फिजिकल मैच्योरिटी का डेवलपमेंट आपके माँ बाप से भी डिपेंड करता है कि कहीं अगर उनमें, मान लीजिए माँ बाप में अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो हो सकता है बच्चे में भी वो कमी आ जाए और उसकी मैच्योरिटी लेवल उतना ना रहे, फिजिकली शारीरिक रूप से वो उतना
बेहतर ना रहे और इस तरह की कोई कमी पैदा हो जाती है। तो इसी तरह से मेंटल लेवल का भी होता है, अगर बच्चों के माँ बाप कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसका असर बच्चों पे भी आता है, तो बच्चे भी इसकी वजह से उनमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो भी शायद अच्छे से उनमें क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है यहाँ पर। तो ये चीज़ें होती हैं, हम जानते हैं। अब ये सब चीज़ें आपने देखा कि मैच्योरिटी से जुड़ी हुई हैं, परिपक्वता से जुड़ी हुई हैं और इसमें अनुवांशिकता का भी फैक्टर आता है। तो आई एम श्योर आपको मैच्योरिटी समझ में आई होगी। तो यानी कि कुछ चीज़ें हम मैच्योरिटी की वजह से, चाहे वो मेंटल मैच्योरिटी हो, हमारी शारीरिक क्षमता हो या मानसिक परिपक्वता हो, उसकी वजह से कुछ क्षमताएं हमारे अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आगे चलते हैं। एक और चीज़ अधिगम। अब पर्यावरण और इसमें एक चीज़ आती है कि मैच्योरिटी तो है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि मैच्योरिटी होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति, जैसे कि आपने देखा है एक ही उम्र के बच्चों में सीखने में अंतर मिलता है। कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उसी उम्र का, कोई शायद कम इंटेलिजेंट होता है। तो इसका कारण यह है कि उसने अपने डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया है, अभ्यास किया है और प्रशिक्षण लिया है। जो आखिरी की जो लाइन है आप देखिए यहाँ पर, विकास प्रयास अभ्यास और प्रशिक्षण से आता है। तो अगर एक ही उम्र का बच्चे होते हैं, आपने देखा है एक ही क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे का दिमाग और लेवल बहुत अच्छा होता है, इसका कारण यह है कि उसने किसी खास चीज़ों पर, कुछ क्षमताओं पर प्रयास किया है, एफर्ट लगाए हैं, अभ्यास किया है, उनका प्रैक्टिस की है और उसकी ट्रेनिंग भी ले रहा हो शायद। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से जो क्षमताएं हमको यहाँ पर परिपक्वता से मिली हुई हैं ऑटोमेटिकली या जेनेटिकली हमारे अनुवांशिकता से, उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसीलिए ये फर्क होता है कि एक ही उम्र के, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में अलग अलग क्षमताएं पाई जाती हैं, क्योंकि उनमें जो अंतर आता है वो विकास अभ्यास प्रशिक्षण इन तीनों चीज़ों की वजह से आता है। इसीलिए अगर हम कहें कि परिपक्वता और सीखना कनेक्टेड हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि अगर मैच्योरिटी नहीं होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि एक 3 साल का बच्चा 10वीं क्लास के बच्चे का सवाल हल कर लेगा। तो यहाँ पर फिजिकल मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी के साथ ही वो उस प्रयास को कर सकता है। कि यहाँ ये नहीं होगा कि 2 साल का बच्चा अगर प्रयास करे तो वो 10वीं क्लास के बच्चे के या 10वीं क्लास के मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, वो बहुत मुश्किल भाग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इतना तो उसका बुद्धि का विकास और शारीरिक विकास होना चाहिए जिससे, जिस स्तर पर वो अपना प्रयास और अभ्यास करके अपनी सीखने को बना सके। मतलब एक 8वीं क्लास का बच्चा तो शायद 10वीं क्लास के बच्चे 10वीं क्लास के क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि वो प्रयास करेगा तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर हम 2 साल के बच्चे से कहें तो वो शायद मुश्किल होगा, 3 साल के बच्चे से कहें तो वो मुश्किल होगा। तो एक सर्टन लेवल का मैच्योरिटी लेवल, परिपक्वता शारीरिक तौर पर जरूरी है। अगर सीखना से कनेक्ट करना चाहते हैं तभी प्रयास और अभ्यास काम करेंगे। तो ये कनेक्शन आपको समझ में शायद आया होगा, कोशिश की है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको काफी क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको इसको देखने मिलेंगे। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट या संपूर्ण विकास का सिद्धांत। तो ये तो ईजी है, 4 लाइनों में आपको इसको साफ साफ दिख ही रहा है कि जब हम टोटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शारीरिक मानसिक भावनात्मक संवेगात्मक यानी कि इमोशन से जुड़ा हुआ, सामाजिक मतलब कि आप सोशली कैसे हैं, किस तरह से लोगों से घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, भावनात्मक आपको पता ही है आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में सभी चीज़ों में कैसे हैं, मेंटल आपका डेवलपमेंट बुद्धि के स्तर पर कैसा है, शारीरिक तो है ही। तो ये जो सारे किस्म के विकास हैं उन सब की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। अगर सिर्फ एक ही तरह का डेवलपमेंट हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पूरी तरह से संपूर्ण विकास उसका कहलाएगा, उसको हर पार्ट में बेहतर अगर होगा तभी हम कहेंगे कि संपूर्ण विकास हुआ है। तो जब भी संपूर्ण विकास की बात हो रही है तो सभी तरह के विकास उसमें शामिल होंगे, शारीरिक मानसिक भावनात्मक संवेगात्मक ये सभी चीजें फैक्टर की बात कर रहे होंगे। तो संपूर्ण विकास का सिद्धांत हमेशा यही बात करता है कि बच्चे के हर पक्ष का विकास होना जरूरी है। तो ये सिंपल है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी और ये अधिगम वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। अगर नहीं आया वो समझ में तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की जो क्लास थी कॉन्सेप्ट क्लास, उसमें बस इतना ही। लाइक शेयर इन लेक्चर्स को जितना हो सके कीजिए, ये आप कर सकते हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प करनी है हमें। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए, अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे और बेल बटन, घंटी का बटन नहीं दबाएंगे और नए हैं तो आपको लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और आप नहीं देख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन आपको चैनल पर दिख जाएगा और उसे दबाइए, और साथ में घंटी का बटन दिखाई देगा उसे दबा लीजिएगा बेल बटन को, ताकि लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहें।
और अनअकैडमी पर फ्री लेक्चर्स के लिए देख सकते हैं आप, इसकी लिंक है, नहीं तो अनअकैडमी.com पर अमित दीक्षित या ऐप पर जाकर सर्च कर लेंगे तो आप फ्री लेक्चर्स का भी लाभ ले सकते हैं। और अगर लाइव कोर्सेज, पेड कोर्सेज देखना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो सभी लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, आई एम श्योर आप जरूर चेक करेंगे और अपने बेनिफिट लेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, थैंक यू वेरी मच।